क्वांटम नंबर्स इज टू डेज लेक्चर क्वांटम नंबर्स को हम यूं डिफाइन करेंगे कि दीज आर एंटीजर्स आर हाफ एंटीजर्स विच गेव Complete address of an electron in an atom। यानी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा किस शेल में होगा किस सब शेल में होगा किस ऑर्बिटल में होगा तो ये चीजें हमें क्वांटम नंबर बताएंगी इन क्वांटम नंबर्स की जरूरत कब पेश आई पहले थोड़ा सा वो हिस्ट्री और फिर जाके क्वांटम नंबर्स क्या हैं हाइजनबर्ग ने कहा हाइजेनबर्ग्स, हाइजनबर्ग्स हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनसर्टेनटी प्रिंसिपल सिंपल अल्फाज में ये प्रिंसिपल बताता है कि वी कैन नॉट लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एग्जैक्टली यानी हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन एटम में मालूम नहीं कर सकते तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर एक बड़ा ऑब्जेक्शन था बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक खास आर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो आइजनबर्ग ने कहा कि नहीं इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हम मालूम नहीं कर सकते फिर जो डिब्रोली आया तो उसने ये कहा डिब्रोली तो डिब्रोली का हाइपोथेसिस सिंपल अल्फाज में यह है कि इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव बोथ एज पार्टिकल एंड वेव यानी इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर तो उसने बोहर और हाइजनबर्ग का झगड़ा थोड़ा सा कम किया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है और वेव भी बिहेव कर सकता है तो जब ये वेव होगा तो इसका पोजीशन मालूम करना एग्जैक्टली मुश्किल हो जाएगा जब पार्टिकल होगा तो इसका पोजीशन बोहर एटॉमिक मॉडल से हमें पता चलेगा इन सब चीजों को फिर आगे जाके श्रोडेंजर अरविंद श्रोडेंजर ये भी साइंटिस्ट है और 1926 क्या किया प्रेजेंटेड ए वेव मॉडल ऑफ एटम इसने एटम का एक वेव मॉडल पेश किया और उसमें यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव राउंड दी न्यूक्लियस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस तो ये श्रोड इंजन का वेव मॉडल यानी उस वेव मॉडल को समझने के लिए आप ये करें कि ये न्यूक्लियस हुआ और जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की शक्ल में इस तरह मौजूद है अराउंड द न्यूक्लियस ये वेव मॉडल उसने पेश किया तो अब इसके भी कुछ वो हैं एप्लीकेशंस यानी इलेक्ट्रॉन अगर वेव बिहेव करता है तो वो श्रोडेंजर इक्वेशन को फॉलो करेगा पार्टिकल बिहेवियर करता है तो फिर वो बोहर एटॉमिक मॉडल को फॉलो करेगा तो श्रोडेंजर वेव इक्वेशन जब सॉल्व होता है तो इससे कुछ हमें नमेरिकल मैथमेटिकल एंटीजर्स मिलते हैं और उन एंटीजर्स को फिर हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स अब क्वांटम नंबर्स की तरफ आते हैं कि क्वांटम नंबर्स जो हैं वो क्या हैं <laughs> कि दीज ऊपर भी डिफाइन हुए दीज सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज

पिक्चर दे जाती हैं या एटम में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस दी जाती है तो ये क्वांटम नंबर्स जो हैं फोर क्वांटम नंबर्स हैं एक उसमें है फर्स्ट वन जो डिस्कस करेंगे दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दूसरा एजी मूथल क्वांटम नंबर तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर अब ये क्वांटम नंबर्स करती क्या हैं इससे हम क्या आइडिया ले सकते हैं अबाउट दी इलेक्ट्रॉन तो इसमें जो पहले तीन क्वांटम नंबर्स हैं तो ये जो हैं डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडेंजर वेव इक्वेशन वो इक्वेशन की अपनी डिरावेशन है जो हमारे सलेबस के स्कोप से बाहर है लेकिन जस्ट नाम याद होना चाहिए कि शुरूडेंजर वेव इक्वेशन से हम ये क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसमें जो पहला क्वांटम नंबर है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा सो दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन इससे ये डिनोट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अच्छा जब शोडेंजर वेव इक्वेशन सॉल्व होता है तो अब ये हमें ये देगा कि इफ एन इज इक्वल टू वन तो फिर शेल इलेक्ट्रॉन का होगा के इसी तरह एन की वैल्यू टू आई थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन जो सेवन शेल वाले एटम हैं ये अब तक पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर होके मौजूद हैं। तो अगर एन की वैल्यू टू आई तो फिर होगा एल शेल थ्री आई तो एम शेल में होगा इलेक्ट्रॉन फोर एन शेल ओ p एंड क्यू तो ये क्वांटम नंबर हमें देगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में मौजूद है दूसरा इससे हम मालूम कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सो दैट इज इक्वल टू टू एन स्क्वेर इस फार्मूला से हम मालूम कर सकते हैं कि गिवन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि के शेल तो के शेल में अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो फार्मूला आप अप्लाई कर दें टू इन टू वन स्क्वेयर बिकम्स टू इलेक्ट्रॉन तो के शेल में आपको मिलेंगे दो इलेक्ट्रॉन इसी तरह एल शेल हो तो एल शेल के लिए अब हो जाएगा टू इंटू टू स्क्वेयर क्योंकि एल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो टू है तो इस तरह से ये टू इंटू टू स्क्वेयर टू 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 जर फोर और टू तो फोर आर एट सो वी विल गेट एट इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल इसी तरह एम शेल हो तो फार्मूला हो जाएगा टू इन टू थ्री तो थ्री थ्री आर नाइन एंड टू नाइनज आर एटीन तो वी विल गेट एटीन इलेक्ट्रॉन्स इन दिस शेल अच्छा एक और ले लें एन शेल हो तो इसके लिए जो एल की वैल्यू है बताएं कि वो क्या हो जाएगी टू इन टू फोर स्क्वेयर तो ये हो जाएगा 16 एंड 16 दुने 32 थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट इस क्वांटम नंबर की मदद से हम रेडियस ऑफ एन आर्बिट मालूम कर सकते हैं कि एक आर्बिट जो है वो या जो शेल होगा वो कितने साइज का होगा तो यहाँ पे ये लिख दें कि साइज ऑफ शेल और आर्बिट तो साथ में ये याद रखें कि अब जो साइज ऑफ शेल है या आर्बिट है या रेडियस है

ऑफ एनी आर्बिट एन इज इक्वल टू एन स्क्ट फाइव टू नाइन एन स्ट्रॉन्ग तो ये वो रेडियस तो इसमें जो ये एन है दिस एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें बताएगा कि कौन से ऑर्बिट का हम रेडियस मालूम करना चाहते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें देगा अबाउट इलेक्ट्रॉन तो वो है एनर्जी ऑफ शेल एनर्जी ऑफ ए शेल याबिट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन जितना एन बढ़ेगा तो उस शेल की एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी तो हम अगेन रेडियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो हम डिराइव कर चुके थे तो वही आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं तो फर्क दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी आर्बिट में तो एंथ आर्बिट लिखते इक्वल टू माइनस थर्टीन टवेल्व पॉइंट थ्री सिक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मॉल तो ये वो रिलेशन था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए कि वो किस आर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी तो रिमेंबर अब ये अब ये ना देखें कि इलेक्ट्रॉन इज़ इन एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इक्वेशन में तो ये है लेकिन उधर नेगेटिव है तो नेगेटिव इनवर्स का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी ज़ीरो के करीब होती जाएगी और इस तरह से वो वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस नेगेटिव थर्टीन टवेल्व पॉइंट थ्री सिक्स अगला ये क्वांटम नंबर जो हमें दे सकता है जिसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस अगर कहीं पे हमसे पूछा जाए कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांज़िशन इसकी मदद से कैसे मालूम कर सकते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांज़िशन ट्रांजिशंस इजिकल टू एन एन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू तो इससे हमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांज़िशन मिलेगी फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कहा जाता है कि आ, आप यूँ कर दें कि अगर किसी एटम के फिफ्थ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो कितनी ट्रांज़िशन कर सकता है ये वो नीचे आके वो कितनी ट्रांज़िशन कर सकेगा तो अब इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं कि ट्रांजिशंस इज़ इक्वल टू ये एन शो करेगा आपके साथ जो है वो हाईएस्ट जो शेल होगा तो वो है फाइव इंटू फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाय टू ये सॉल्व करोगे तो पाँच पाँच पच्चीस माइनस पाँच पाँच डिवाइडेड बाय टू तो ये हो जाएगा ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू एंटू ट्वेंटी तो ये इलेक्ट्रॉन टेन ट्रांजीशन करेगा जब ये फिफ्थ आर्बिट से नीचे आएगा इसको आप यूं भी अब अपने लिए ड्रा कर सकते हो कि ये ट्रांजिशन कैसी होंगी तो फॉर एग्जांपल वी हैव वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ ये वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ अब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है फिफ्थ ऑर्बिट में तो देखें अगर ये फिफ्थ से फोर में आए तो ये एक ट्रांजिशन हो गई फिफ्थ से थ्री में आए दूसरी ट्रांजिशन फिफ्थ से सेकेंड में तो तीसरी ट्रांजिशन और फिफ्थ से फर्स्ट में तो ये हो गई उसकी पाँचवीं चौथी ट्रांजिशन अब फिर फोर्थ में आप पहुंचा है तो वो फोर्थ से थर्ड में आ सकता है फोर्थ से सेकंड में आ सकता है फोर्थ से फर्स्ट में आ सकता है तो ये और ट्रांजिशन हो गई फिर अगर वो थर्ड में पहुंचा है तो अब थर्ड से वो सेकंड में आ सकता है थर्ड से वो फर्स्ट में आ सकता है और इसी तरह से जब वो सेकंड में पहुंचा है तो वो सेकंड से अब ये डायरेक्ट फर्स्ट में आ सकता है तो अगर आप ये काउंट करोगे सो यू विल गेट ए टोटल ऑफ टेन ट्रांजिशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इस तरह से कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तो ये एक्साइटेशन करता हुआ कितनी ट्रांजिशन कर सकता है तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो कि वो कितनी ट्रांजिशन करेगा नेक्स्ट जो है सेकेंड वन दैट इज इज़ीमूथल क्वांटम नंबर एजी मूथल क्वांटम नंबर एजी मूथल क्वांटम नंबर इसको डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय एल स्मॉल एल से इसको डिनोट किया जाता है ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है या ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन तो एक ये कि इट गेवस दब शेल इन ए शेल के एक शेल या ऑर्बिट में कितने सब शेल या सब ऑर्बिट्स होंगे ठीक इसको आप ऑर्बिट भी लिख सकते हो और इसको आप सब ऑर्बिट भी लिख सकते हो अच्छा इसके लिए अब रिलेशन क्या है बाय रिलेशन के एल की जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट होके वन टू थ्री एंड सो ऑन अप टू एन माइनस वन वेयर एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो अब फॉर एग्जांपल हमें दिया जाए कि एन की वैल्यू जो है वो वन है तो शेल जो है वो के है शेल इज़ के अब इसमें सब शेल कितने होंगे तो इस वैल्यू में एन की जगह यहाँ पे हम अगर वन लगा दें तो वन माइनस वन बिकम ज़ीरो तो एल की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो यानी आगे बस हम मजीद नहीं जा सकते क्योंकि ये हमें लिमिट देगा दिस इज आवर एंड पॉइंट या लिमिट पॉइंट तो जब एल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सब शेल कहलाएगा एस सब शेल इज एस सब शेल अच्छा अब देखते जाएं अगर एन की वैल्यू टू हो तो अब यहाँ पे जब हम टू लगाएंगे तो टू माइनस वन इजिकल टू वन तो एल की वैल्यू ज़ीरो वन तक चली जाएगी सो एल हैज टू वैल्यूज़ नाउ हो ज़ीरो एंड वन अब ज़ीरो एस सब शेल के लिए याद रखना है और वन जो होगा वो पी सब शेल के लिए आज सिमिलरली इफ़ एन इजिकल टू थ्री तो थ्री माइनस वन बिकम्स टू तो मीन कि ये वन टू और इस तरह इधर टू है सॉरी तो टू थ्री फोर एंड सो वन तो एल की अब हमें तीन वैल्यूज़ मिलेंगी ज़ीरो वैल्यू वन वैल्यू एंड टू वैल्यू इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड शेल है उसमें तीन सब शेल हैं एस फी एंड डी सिमिलरली इफ़ n इज़ equal टू 4, तो फिर l की वैल्यू सोच लें कितनी बनेंगी तो 4 minus वन is equal to थ्री तो l की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3. तो mean के l की वैल्यू 0 है तो s, p, d एंड f. तो इस तरह से आपने इसमूतल क्वांटम नंबर की वैल्यूज याद रखनी होंगी आगे जब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको काफी हेल्प देगा कि भाई एल की वैल्यू टू है तो सब शेल कौन सा होगा अब इनको जो ये एस पी डी नाम दिए गए हैं सो ये सब शेल जो है नेम्ड अकॉर्डिंग टू दी स्पेक्ट्रल लाइन्टेंट यानी इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रोमीटर में बनते थे तो एस इट इज फॉर शॉर्पी फॉर प्रिंसिपल डी फॉर डिफ्यूज एंड एफ फार फंडामेंटल तो ये वो स्पेक्ट्रल लाइन जो अपीयर होते थे उस पुराने स्पेक्ट्रोमीटर में या स्पेक्ट्रोस्कोप में तो उसमें ये एस शार्प लाइन बनता था ये प्रिंसिपल मीन बड़ा लाइन बनता था डिफ्यूज्ड और इस तरह फंडामेंटल तो उधर से इनको ये नाम दिए गए हैं दे आर कन्वेंशनली कोई रूल उनके लिए मौजूद नहीं है कि इस रूल के मुताबिक हम ये नाम देंगे नेक्स्ट ये कॉन्टे नंबर जो हमें देता है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इजिकल टू टू इन टू टू एल प्लस वन तो इस फार्मूला से ये हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देगा कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो अब इसको देखते जाएं फॉर एग्जांपल कहते हैं कि s सब शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो s के लिए जो एल की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो अभी हमने डिस्कस किया अब इस फार्मूला में ये लगा दें तो फार्मूला में लगाने के बाद आपको मिल जाएगा कि टू इन टू टू मल्टीप्लाइड जीरो प्लस वन। तो ये करोगे सो यू विल गेट जीरो तो टू इलेक्ट्रॉन्स यानी जीरो जाएगा आगे वन रहा टू वन टू तो एस सब्शियल में आपको दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसी तरह अगर हमसे पी सबशेल का कहा जाए तो पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू जो है वो है वन तो यहाँ पे अब उसके लिए जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो हो जाएगा टू इंटू टू, टू मल्टीप्लाइड वन आ, आ, प्लस वन फार्मूला से तो ये टूज थ्री एंड थ्री टू जिक्स तो मीन के पी सबशेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसी तरह आप जाते जाएं दूसरे को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर एग्जांपल अब डी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल है तो डी सबशेल के लिए इसकी जो जमुतल क्वांटम नंबर है दैट हैज ए वैल्यू ऑफ टू तो इधर जब हम इसको लगाएंगे सो यू विल गेट टू इंटू टू मल्टीप्लाई टू प्लस वन तो इस तरह ये सॉल्व करके के दो दुनी चार जमा एक पाँच और दो पांजे दस यू विल गेट टैन इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल इसी तरह एफ शेल तो एफ शेल के लिए इसमुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है दैट इज़ थ्री तो उसमें जब हम फार्मूला में लगाएंगे तो टू इंटू टू प्लस मल्टीप्लाइड थ्री प्लस वन सो यू विल गेट दो थी या छः और एक सात एंड टू सेवन जा फोर्टीन, तो इसमें आपको फोर्टीन इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल तो ये रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए सब शेल्स में इसी तरह मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो ये क्वांटम नंबर है तो इट शोज़ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स का शेप भी हमें बताता है और उसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है कि एस जो ऑर्बिटल है वो है स्फेरिकल फॉर्म में ने इस तरह फुटबॉल जैसा इट इज फिर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इनको प्रूव किया गया है श्रोडेंजर वेवी इक्वेशन में डाल के तो वहाँ से हमें मिलते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप का है फिर जो पी ऑर्बिटल होगा तो पी ऑर्बिटल उसका शेप को क्यों होगा कि वो इस फॉर्म में ये इस तरह से ये न्यूक्लियस हुआ और ये सारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है इसी तरह यहाँ पे ये न्यूक्लियस हुआ और ये सारा एरिया जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन वेव ठीक तो ये पी तो इसको कहते हैं डम्बिल शेप ये डम्बिल फॉर्म में आपको मिलेगा डी जो है डी अब डी का जो शेप है वो कुछ आपको यूँ मिलेगा कि एक डम्बल यू बना है और इस तरह से एक दूसरा डम्बल और ये न्यूक्लियस हुआ तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन यू मूव कर रहे हैं जिस तरह से ये कर्सर घूम रहा है और इसको कहते हैं डबल डम्बल शेप डबल डम्बल एफ़ जो है उसका शेप आपको मज़ीद कम्प्लिकेट मिलेगा अब एफ़ का जो शेप होगा वो मज़ीद कम्प्लिकेटेड है और इस फॉर्म में आपको मिल सकता है देख सकते हो उसका आइडिया लो ये हुआ उसका एक डम्बेल ये दूसरा डम्बेल और ये उसका छोटा लोब फिर इसी जगह पे जो दूसरा होता है वो भी बन जाता है इस फॉर्म में तो ये हुआ तो ये जो है आपको मिलेगा एफ सब शेल का जो शेप है दैट इज़ कम्प्लेक्स या कम्प्लिकेटेड उसको कहा जाता है और ये सब जो हैं मैथमेटिक्स से डिराइव किए गए हैं जो टपोलोजी है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच और दूसरी जो है उसमें ग्राफिकल स्टडी करके मुख्तलिफ़ शेप्स जो हैं वो फाइंड किए जाते हैं क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन हमें नज़र नहीं आएगा कभी भी तो उस इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस जब हम डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी उसकी देखेंगे तो मैथमेटिकल फार्मूला से हम हेल्प लेंगे और वो हमें इन शेप के बारे में बताएगा जो इस तरह से वो ये शेप दे रहा है नेक्स्ट जो तीसरा क्वांटम नंबर है दैट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम जब देखते हैं तो बोहर मॉडल में एक डिफेक्ट आया कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन जीमन इफ़ेक्ट तो जीमन इफ़ेक्ट ये था कि अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में से गुजारे जाएं तो वो मज़ीद छोटे छोटे लाइन में स्प्लिट अप हो जाते हैं तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो इट एक्सप्लेन्स जीमन इफेक्ट अच्छा अब ये क्या करता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल गिव्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एन ए सब एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो हमें देगा और उसके लिए जो रिलेशन है दैट इज इक्वल टू टू एल प्लस वन इस रिलेशन से हमें ये ऑर्बिटल देगा कि एक गिवन सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे फॉर एग्जांपल अगर हम एस सब शेल का लें एस सब शेल तो एस सब शेल इसके लिए जो एल की वैल्यू है वो जीरो याद रखनी होगी ठीक तो अब अगर हम इस यहां पे वैल्यूज लगा दें टू मल्टीप्लाइड जीरो प्लस वन तो टू जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन मीन्स के ए सबशेल में एस सबशेल में वन ऑर्बिटल मौजूद है और ऑर्बिटल वो आखिरी जगह होती है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा पी सबशेल में देखते हैं तो p सब शेल के लिए जो एजुल क्वांटम नंबर की वैल्यू है दैट इज वन वो वैल्यू अब इधर लगा दें टू मल्टीप्लाइड वन प्लस वन विल गिव यू थ्री तो p सब शेल में थ्री ऑर्बिटल्स मौजूद हैं देयर आर थ्री ऑर्बिटल्स इन p सब शेल इसी तरह डी को देख लें डी सब शेल तो वो एल इज इक्वल टू टू उसके लिए जिम्बुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू टू है तो टू मल्टीप्लाई टू प्लस वन विल गिव यू फाइव ऑर्बिटल्स तो जो डी सब शेल है उसमें आपको पांच आर्बिटल्स मिलेंगे और एफ सब शेल तो l इज इक्वल टू थ्री तो इसमें अब फार्मूला लगाएंगे तो टू मल्टीप्लाइड थ्री प्लस वन तो दो तीए छू गेट सेवन ऑर्बिटल्स तो इस तरह से यह हमें ऑर्बिटल्स बताएगा कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए या पॉसिबल हैं अगला जो हमें यह बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन मैग्नेटिक फील्ड यानी जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है मैं बताएगा ओरिएंटेशन होता क्या है ओरिएंटेशन एग्जिस्टेंस ऑफ़ ए बॉडी इन थ्री डायमेंशनल स्पेस तो इसको कहते हैं ओरिएटेशन यानी थ्री डाइमेंशनल मीन एक्स एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे है कि जेड एक्सेस पे है तो ये हमें ओरिएंटेशन बताता है अप्लाइड मैगनेटिक फील्ड में और वो ओरिएंटेशन हमें कहाँ से मिलेगा तो वो ये है कि जो एम ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इट इज़ डिनोटेड बाय एम सब एल ये इसकी डिनोशन है और इसकी ओरिएंटेशन किसी औरबिटल की वो डिपेंड करेगा अपॉन द इजी क्वांटम नंबर तो वो ओरिएंटेशन होगी कि माइनस एल ज़ीरो और प्लस एल तो इससे हमें उसकी ओरिएंटेशन मिलेगी कि वो ऑर्बिटल कितने ओरिएंटेशन रखता है या फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको अब अगर हम एस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन देखना चाहें दिस इज एस तो एस के लिए जो इजीमतुल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू है जीरो तो जो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी तो वो हो जाएगी ज़ीरो तो इसका मतलब है कि एस सब शेल हैज़ नो ओरिएंटेशन। क्योंकि ये स्फेरिकल है और स्फेरिकल बॉडी को हम एक्स वाई जेड एक्सिस पे डिफाइन नहीं कर सकते कि अब ये कौन से एक्सिस पे होगा जिस तरह फुटबॉल आप हाथ में पकड़ लें तो वो फ़ुटबॉल अब आपको स्फेरिकल दिखाई दे रहा है तो उसको अब यह नहीं कह सकते कि अब ये एक्स एक्सिस पे है वाई पे है कि जेड पे है तो अपने स्फेरिकल नेचर की वजह से इसकी जो है वो जीरो ओरिएंटेशन होगी पी आरबीटल को देखें तो पी के लिए जो इजमतुल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू है वन तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज हो जाएंगी यहां से शुरू करें माइनस वन जीरो और प्लस वन तो मिन जो पी में तीन आर्बिटल्स हैं तो वो तीन ओरिएंटेशन दे सकते हैं तीन ओरिएंटेशन कुछ इस तरह कि ये जो माइनस वन है ये हुआ फॉर पी एक्स जीरो बस लिया जाता है जेड के लिए तो ये हुआ पी जेड और प्लस वन हुआ पी वाई यानी ये हुआ एक्स एक्सिस हुआ जेड एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस अब जो पी एक्स है, तो वो एक्स एक्सिस पे इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा तो ये हुआ पी एक्स z p z जो है वो Z एक्सिस पे आपको यूं दिखाई देगा इमेजन कर सकते हैं उसको तो ये हो जाएगा p z और जो Y होगा तो वो Y एक्सिस पे उसके दोनों डंबल आपको यूं मिलेंगे तो ये हुआ p y तो इस तरह से जो P ऑर्बिटल है उसके तीन ओरिएंटेशन हैं PX, PY एंड p z डी ऑर्बिटल की तरफ आते हैं कि डी सबशेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या बनेगी तो ये हो गया डी डी के लिए जो एजमतुल कॉन्टम नंबर वैल्यू है वो है टू तो इसके लिए मैग्नेटिक कॉन्टम नंबर की वैल्यूज़ हो जाएंगी माइनस टू माइनस वन ज़ीरो फिर प्लस वन एंड प्लस टू तो वन टू थ्री फोर फाइव डी ऑरबिट सबशेल में जो पांच ऑर्बिटल हैं तो उनकी पांच ओरिएंटेशन हमें मिलेगी तो इनको थोड़ा सा यूं याद रखें ये जो है हुआ फॉर डी जेड स्क्वेयर ये डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्वेर बाकी जो हैं आपको कुछ यू मिलेंगे उनको यू याद रख लो ये हुआ डी एक्स जेड डी जेड वाई एंड डी जेड वाई हुआ जेड एक्स हुआ डी जेड वाई डी और डी एक्स वाई डी एक्स वाई तो इस तरह से ये पांच ऑर्बिटल हैं और उनकी पांच ओरिएंटेशंस हैं चूँकि ये थ्री डायमेंशनल होती हैं तो यहाँ पे आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा ये हुआ वाई एक्सिस ये हुआ एक्स एक्सिस तो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एक डम्बिल बिल्कुल एक्स एक्सिस पे बना हुआ हो और दूसरा जो है वाई एक्सिस पे आ जाए तो ये होगा डी एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वा डी जेड स्क्वायर की तरफ आए ये हुआ जेड एक्सिस और जो डी जेड स्क्वेयर है तो उसकी एग्जिस्टेंस हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेगी इधर फिर इस किस्म का एक शेप आपको मिलेगा तो ये है डी जेड स्क्वायर अब जो ये बाकी हैं तीनों डी एक्स जेड डी जेड वाई एंड डी एक्स वाई तो उनकी ओरिएंटेशन आप थ्री डायमेंशनल फॉर्म में इजीली समझोगे तो अगेन अगर हम थोड़ा सा इधर ड्रॉ करें डी एक्स एक्स ये वाई एक्सिस हुआ ये एक्स एक्सिस हुआ अब ये एक इधर मौजूद है लोब दूसरा लोब यहाँ पे मौजूद है तो ये हो जाएगा आपके पास ये y है ये x है तो ये हुआ डी एक्स वाई ये थ्री डायमेंशनल होती हैं इतनी आसानी से टू डायमेंशनल पेपर पे या यहाँ हम इनको एग्जैक्टली ड्रा नहीं कर सकते आज, फिर अगर हम कर दें कि ये z एक्सिस हैं और ये x एक्सिस है दिस इज x, दिस इज z. अब यहां पे इसको ड्रा करोगे तो ये डम्बिल z और x के दरमियान बना और दूसरा भी z और x के दरमियान बना तो ये हो जाएगा आपके पास डी जेड एक्स जो बचता है दैट इज डी जेड वाई तो डी जेड वाई को आप ड्रा करने की कोशिश करोगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाई एक्सिस हुआ और ये हुआ जेड एक्सिस दिस इज़ वाई दिस इज़ जेड तो अब ये आपको इस फॉर्म में मिलेगा अब आप देख सकते हो कि सर इसमें तो हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा येस इसमें डिफरेंस नज़र नहीं आता क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल होते हैं और थ्री डायमेंशनल फॉर्म में इनको देखोगे तो फिर आपको ज़रूर इन डिफरेंस नज़र आएगा अच्छा अब जो एफ़ सब शेल हैं इसके लिए एजमतुल कौन्टम नंबर की वैल्यू जो है दैट इज़ थ्री तो इसके मैग्नेटिक कंटम नंबर की वैल्यूज़ हो जाएंगी माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ज़ीरो और फिर प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो इसकी सेवन ओरिएंटेशन है और जो मजीद फिर कंप्लीकेटेड फॉर्म में है तो एफ में जो सेवन ऑर्बिटल्स हैं सो दे हैव है छोटा जो क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिन समझते हैं कि वट इज स्पिन इट इज रोटेशन ऑफ ए बॉडी ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज स्पिन एक बॉडी जब अपने ही एक्सेस पे घूमे तो उस घूमने को हम कहेंगे स्पिन तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो स्पिन वो भी स्पिन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन कंसिडर करें अब अगर ये इस तरह से घूम रहा हो इस फॉर्म में तो ये हुआ एंटी क्लॉक स्पिन एंटी क्लॉक स्पिन और फिर इलेक्ट्रॉन इस तरह भी घूम सकता है इस फॉर्म में तो ये हुआ उसका क्लॉकवाइज वाइज स्पिन तो इलेक्ट्रॉन इन दो किस्म के स्पिन कर सकता है एंटी क्लाक वाइज स्पिन राइट हैंड रूल अगर आप देख लें अपने राइट right हैंड को पकड़ लें एक मुट्ठी की शक्ल में तो जो थंब है अंगूठा वो डायरेक्शन बताएगा और बाकी फिंगर्स जो हैं वो आपका स्पिन बताएंगे जो एंटी क्लाक स्पिन कर रहे हैं तो एंटी क्लाक स्पिन को हम अप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी तरह अपनी ही राइट हैंड को अब इस तरह पकड़ लें कि अंगूठा नीचे ज़मीन की तरफ इशारा कर रहा हो और तो फिर आप अपनी उंगलियां को देखोगे तो वो क्लॉक डायरेक्शन में आपको स्पिन शो करेंगी तो इस तरह से जो क्लॉक वाइज स्पिन है तो वो डाउन एरो से रिप्रेजेंट होगा और जब भी कोई चार्ज बॉडी स्पिन करता है तो वो अपना मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है चाहे वो क्लाक स्पिन कर रहा हो चाहे एंटी क्लाक स्पिन कर रहा हो तो वो अपना मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा स्पिन क्वांटम नंबर को अब डिनोट किया जाता है एम सब एस से या कहीं पे आपको एस मिल जाए तो भी ठीक तो जो एंटी क्लाक है, इसको प्लस वन ओवर टू से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो क्लाक वाइस है वो माइनस वन ओवर टू से रिप्रेजेंट किया जाता है ये आइडिया जरूरत इसकी क्यों पड़ी जरूरत इसकी इसलिए पड़ी कि एक आर्बिटल में एन ऑर्बिटल कैन एक्मोडेट ए मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स यानी एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्बिटल कंसिडर करें और इसमें हम दो इलेक्ट्रॉन डालते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ यह दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ अब जब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और फिर ये भी हम जाते हैं कि दो नेगेटिव चार्जेस यानी सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर तो जब ये दो नेगेटिव चार्जेस एक ही ऑर्बिटल में आ गए हैं तो ये फिर एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते दैट इज़ अगेंस्ट कूलम्स लॉ इनका रिपल्शन होना चाहिए अब ये रिपल्शन इसलिए नहीं करते कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लाक एंटी क्लाक रोटेशन कर रहा है और दूसरा जो है वो क्लाक स्पिन कर रहा है तो एंटी क्लाक और क्लाक स्पिन कर रहे हैं इस वजह से वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर जाते हैं और उनमें वो रिपल्शन ज़ीरो हो जाती है क्योंकि माइनस वन ओवर टू मल्टीप्लाइड प्लस वन ओवर टू यू विल गेट ज़ीरो तो ये जो है हमें प्लस वन और टू माइनस वन और टू तो इस तरह से उनका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं रहेगा और एक आर्बिटल में दोनों समा जाएंगे अच्छा अब जब एक ही आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हों और वो एक एंटी क्लाक स्पिन कर रहा है दूसरा क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो इस किस्म के स्पिन को हम कहेंगे स्पिन। ये कहलाएगा पेयर्ड स्पिन जब एक ही आर्बिटल में होंगे तो इसके साथ नोट करें कि पेयर्ड स्पिन कब होगा इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल तो वो करेंगे फीयर्ड स्पिन और आगे हंड्स रूल में हम उसको मजीद समझेंगे अगर ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं सपोज करें ये जो है फी एक्स ऑर्बिटल है पी वाई ऑर्बिटल है और फी जेड आर्बिटल हैं अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में एकमोडेट होगा और उनका स्पिन भी एक जैसा होगा तो इस किस्म के स्पिन को हम कहेंगे पैरेलल स्पिन दिस इज़रेल स्पिन ठीक तो सेम ऑर्बिटल में दोनों पियड स्पिन रखेंगे और जब इस तरह का चांस हो के सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हों तो इलेक्ट्रॉन उनमें अलग अलग, अलग जाके एकोमोडेट हो जाएगा और उनका स्पिन एक जैसा होगा अब ये एंटी क्लाक स्पिन हो चाहे क्लाक स्पिन कोई भी लगाओगे लेकिन सबका एक जैसा स्पिन होना चाहिए कहीं पे आपको इनकी डिनोशन कुछ यूं भी मिलेगी कि एक के लिए हाफ हेड एरो, दूसरे के लिए डाउनवर्ड हाफ़ हेड एरो तो ये हुआ पीयड स्पिन और इसी तरह से अगर हम पैरेलल स्पिन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी ये हाफ हेड एरो डाउनवर्ड, हाफ हेड एरो डाउनवर्ड, हाफ हेड एरो डाउनवर्ड। तो दोनों डी नोशन आप इस्तेमाल कर सकते हो तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताएगा ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से सॉल्व नहीं होता बल्कि 1925 में साइंटिस्ट गॉड स्मिथ उसने इंट्रोड्यूस किया सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है और स्पिन भी कर रहा है तो रिवॉल्यूशन ये हुआ न्यूक्लियस और ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन सपोज करें अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब ये इस गोल दायरे में घूमता है तो ये हुआ रिवॉल्यूशन रिवॉल्व कर रहा है और फिर यही इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे भी घूम रहा है तो वो हो जाएगा इसका स्पिन यानी इस तरह कर दें ये अब ये इसका स्पिन भी कर रहा है यानी ये कर सर जिस आप देख रहे हो खुद भी घूम रहा है और इस तरह से सर्कल में भी जा रहा है तो ये गाउड स्मिथ किया उसने कि रिवॉल्यूशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है और स्पिन क्यों करता है तो वो हमने यहाँ से जाना जब एक ही आर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन समाते हैं तो बिकॉज ऑफ हैविंग सेम चार्ज दे स्टिल डोंट रिपेल ईच अदर तो वो इस वजह से रिपेल नहीं कर रहे कि एक क्लाक घूम रहा है स्पिन कर रहा है दूसरा एंटी क्लाक स्पिन कर रहा है और इस तरह एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को वो कैंसिल कर रहे हैं सो दिस वॉज अबाउट द क्वांटम नंबर्स स्पिन क्वांटम नंबर्स magnetic quantum number is azimuthal quantum number and principal quantum number